all know, the topic of the GD is the new education policy 2020. So let's discuss over it. Could you guys just turn on your camera so that I could take the screenshot of everything? Just a second. Just for a second. ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020, ओके? यस सर। तो आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, जीडी करनी है आपने सभी ने, ओके? 15 मिनट की जीडी होगी, 15 मिनट की जीडी के अंदर आप ख्याल रखें कि आप सभी ने बोलना है, यू हैव टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज होना है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है हमने, ओके? इसमें किसी प्रकार का आपने ग्रुप नहीं बनाना है, वो कर रहे हैं उसके बारे में बात करें, तो अभी सीधा हम लोग कब स्टार्ट करते हैं, ओके? ओके, anyone can start. Who is going to take the initiative? Vipul Singh. Okay. Start, sir. Just start. यहाँ पर बारी बारी नहीं है. जिसकी बारी है वो गुजरे यहाँ पर. Okay. You can start. New कॉलेज की पढ़ाई जो बीच में छोड़ने की वजह से पहले डिग्री नहीं मिलती थी, अब ऐसा नहीं है. अगर कोई भी बच्चा एक साल की पढ़ाई अगर कर लेता है तो उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा और दो साल में पढ़ाई छोड़ते डिप्लोमा मिलेगा. दो साल करके अगर छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा और तीन अगर छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी. यहाँ पर इसकी बात करें कि इससे फायदा या नुकसान कर दिया गया था, जैसे कि काफी बच्चे 12th नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास एफोर्डेबिलिटी नहीं थी. लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम में इट्स 6 to 18, जिसके वजह से गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक सबका खर्चा उठाएगी, जिससे हमारे में लिटरेसी रेट काफी बढ़ सकता है. एक चीज और है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हमारी जो स्टार्टिंग लैंग्वेज होगी, जो पढ़ाई होगी, वो हमारी मातृभाषा यानी हमारी मदर टंग होगी. इससे क्या होगा कि जो सीबीएसई या मतलब कि जो भी रूल्स होंगे, गवर्नमेंट रूल होंगे, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड मतलब कोई भी बोर्ड हो उसके लिए सेम होगा. तो इससे जो एक भेदभाव उत्पन्न होता था इन दोनों बोर्ड के बीच में वो खत्म हो जाएगी. जो अब सारे बच्चे एक समान होंगे, ना वो गवर्नमेंट स्कूल के ना प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होंगे उनके बीच में जो भी डिफरेंशिएशन या जो भी भेदभाव होता था वो खत्म हो जाएगा इस पॉलिसी के तहत. समथिंग सर, प्रैक्टिकली कुछ नहीं. आपका नाम क्या है? इस तरह से क्लास सिक्स से सर निर्भय कुमार. ओके, निर्भय. हाँ, चलिए चलिए. यस सर, तो यही सर की प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर दिया गया इसमें सर. और इसमें है सर कि 9th से हम लोग 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से. अभी तक क्या था सर कि जैसे 10th 11th 12th का सिलेबस सर बहुत ज्यादा बड़ा था, जो कि 2 साल में सर कवर करना विद प्रैक्टिकल आसान नहीं था और बच्चों पे प्रेशर रहता था सर. तो अब वो बात नहीं होगी और बच्चे एक साइंस, एक आर्ट, एक कॉमर्स किसी भी तरह से अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं. आपको पता है बहुत सारे पॉइंट है. कल मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड की थी, उसमें 136 पेज है. कितने? 136 पेज है. 136 पेज का मतलब आपको कम से कम इसमें अभी सबसे ज्यादा स्ट्रेस आप लोगों ने बताया कि वोकेशनल स्टडीज पे बहुत ध्यान दिया गया है, ठीक है ना? मतलब आपके जो स्किल्स हैं, जैसे हम इसके लिए हम पहले आईटीआई यूज करते थे, तो आईटीआई की जगह पे क्या हो गया, अभी आपका क्या हो गया कि आपकी स्कूल लेवल पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप लोग स्कूल से निकल के या कॉलेज से निकल के आप लोग रेडी फॉर आपको जो मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग रेडी हो जाएं फ्यूचर. उसके बाद जितने भी इसके बाद आपका है कि एक साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज समझते हैं ना, जो मूक बधिरों के लिए. यस सर, इंडियन कोडिंग. इंडियन कोडिंग. और इंडियन कोडिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मतलब पूरी इंडिया में एक ही होनी चाहिए, उसके लिए भी किया उन्होंने. अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि केवी, मैं केवी से पढ़ाऊं खुद, केवी ऐसे स्कूलों में उन्होंने क्या कर दिया, प्री स्कूल सेशन इन्होंने लागू कर दिया. पहले नहीं था इनके में,
जैसे केजी वगैरह होती है ना, नहीं थी तो उसके बाद कुछ की बात आप लोगों से संबंधित है कि जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन स्कूल्स में जो एनसीसी है वो डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ गया है। यहाँ पर किसके अंडर में? अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ओके हाँ या अभी उसमें उन्होंने ये चीज कर दिया। उसके अलावा जो आपके जैसे कि आपके क्या है ये जवाहर नवोदय विद्यालय, आपको पता है ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बनाए गए, उनके बच्चों के लिए बनाया गया, तो उसमें क्या फ्री बिल्डिंग फैसिलिटीज उन्होंने दे दिया अभी उसके लिए। अच्छा फिर डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने डेडिकेटेड यूनिट बनाई है अभी, मतलब ये डिजिटल ऑनलाइन अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। जहाँ पर हम ये कर रहे हैं ऐसे हमारे कुछ एक इंस्टीट्यूशन है आर्मी में, तो हमारे वहाँ पर क्या होती है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपके पक्का एक जगह जो क्लास चल रही है वो सारे के सारे स्कूल में लोग देख सकते हैं, तो इस तरह का सिस्टम बस शुरू होने वाला है। उसके बाद है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग के लिए क्या कर दिया इन्होंने अभी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यस हाँ बीएड कंपलसरी हो गया अभी, ये चीज ठीक हो गई है। अच्छा उसके अलावा आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की इन्होंने स्थापना कर दी है, जो की एंटायर हायर एजुकेशन है इंडिया की, वो इसके ये देखेगी। अभी ऐसा नहीं कि हर सर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मिनिस्टर को सर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। हाँ यस इसमें भी एक चीज है। अच्छा और कुछ है कि इन्होंने प्रोविजंस किए हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो मतलब दिव्यांग बोलते हैं उनके लिए कुछ इन्होंने प्रोविजंस किए हैं, उनका क्या है सपोर्ट किया है उनके एजुकेशन के लिए, उनके डिसेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद उनके रिसोर्सेज ट्रेनिंग सेंटर बनाया, उनके लिए अकोमोडेशन बनाई है उन्होंने, है ना। उसके बाद हर स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा, बाल भवन नाम से उनके लिए स्पेशल कुछ इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जिसमें कि उनको उनकी उनकी मतलब स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी, आर्ट रिलेटेड दी जाएगी, कैरियर रिलेटेड दी जाएगी और उनके प्ले रिलेटेड दी जाएगी, क्योंकि उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने में प्रॉब्लम होती है जो भी कुछ है पढ़ाई के लिए, तो वहां पर उनके डेडिकेटेड टीचर्स होंगे और डेडिकेटेड बिल्डिंग है उनके लिए वहां पर। और जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभी इनको सामाजिक चेतना केंद्र के नाम से अब जाना जाएगा, उसके लिए उनके लिए अलग से स्थापना की गई है। अच्छा सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बजट एलोकेशन है वो 1.7% से बढ़कर 6% कर दिया गया, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन का बहुत कम खर्च हुआ, तो 1.7% बढ़ गया। नहीं नहीं 1.7% था लेटेस्ट, उसमें 1.7% सर, वो जो 1.7% लोग अभी था ही ना वो भी यूज नहीं कर रहे थे सर, उसमें भी सर हाफ सर वही से ज्यादा हमारे टीचर्स की फीस में चला जाता था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन डेवलप नहीं होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन डेवलप करने की बात तो अलग है सर, हमारे टीचर्स कैपेबल ही नहीं थे, हमारे टीचर्स एक्चुअली जो बीएड करके आए हैं तो वो भी कैपेबल अभी भी नहीं है, तो क्या उन्हें ऐसा नई एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहिए था कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए पहले एग्जाम हो, पहले वो एग्जाम क्रैक करें, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट हो कि वो पढ़ाने के लायक है या नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने पढ़ लिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाने के लायक हो जाते हैं। हाँ सही बात है, तो उसी के लिए बात हुई ना, अभी जो उन्होंने डिग्री निकाली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, 4 ईयर्स डिग्री है विद बीएड, तो वो सबके लिए कंपलसरी है अभी। और अभी जो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने बहुत टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी ना 2040 का टाइम दिया इन्होंने, 2040 यानी आपके बच्चे भी पढ़ के तब तक 12th क्लास पास हो जाएंगे, ठीक है। ओके इसके बाद तो ये हमारे में था, हम लोग भी पढ़ते थे तो सेंट्रल स्कूल में था हमारे साथ कि हम लोग को वहाँ मतलब कंपलसरी नहीं किया गया था, हमें ऑप्शन था कि आप से हमें बोला गया था कि साउथ की एक लैंग्वेज पढ़ लीजिए और फॉरेन की एक लैंग्वेज पढ़ लीजिए, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि सबको मालूम है स्कोप क्या आगे, स्कोप ही नहीं है, तो फिर इसलिए पता नहीं था। लेकिन अब इनको ऐसा संस्कृत के लिए आप बात करें तो संस्कृत के लिए आपका क्या है ना कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना पड़ेगा, उसको लोकेटरी बनाना पड़ेगा ना कि वो आगे जाके कोई उसकी फायदा हो, तब तो कोई पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा जब उसको कोई फायदा नहीं है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपकी लोकल या रीजनल लैंग्वेज, थोड़ा सा एक हैंडीकैप है, इसके बाद में बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा वो साइन लैंग्वेज की बात हो गई है। अच्छा अब आपकी सबसे बड़ी बात क्या होगी, नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स, तो स्ट्रीम्स थी पहले साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, कॉमर्शियल स्ट्रीम, कॉमर्स की स्ट्रीम, वो अब नहीं रहेगी, है ना। हाँ इससे क्या हो जाएगा, आपको जो मर्जी आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा इससे पहले हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे फिजिकल एजुकेशन होती थी, आर्ट्स होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर नाम की कोई अलग से हार्ड सेपरेशन नहीं होगी, ये सारी की सारी आपकी करिकुलम में ही मतलब इंक्लूड होगी। और 4 स्टेज ऑफ एजुकेशन हो जाएंगी आपकी, अभी पता ही है सबको, अभी क्या करते हैं सिस्टम 5+3+3+4 किया है ना, फाइव इयर्स मतलब आपका है 3 इयर्स की ऐसे बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ प्रिपरेटरी स्कूल, तो पहले लॉर्ड मैकॉले की जो चल रही थी, हाँ जो ट्रेनिंग चल रही थी पहले आपकी लॉर्ड मैकॉले की, वो क्या थी, वो सिर्फ फ्लक्स पैदा करने के लिए,
रटने यहाँ पर रटने की पॉलिसी को हटा दी गई है कि जो मतलब कि बच्चा आपका जो सीखेगा वही पढ़ेगा, ना प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ मतलब जो रट्टू तोता बोलते कि रट के जो याद कर लेते तो उसको हटा दिया गया है। बिल्कुल 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 हाँ, तो इसी को अब इन्होंने जो नाम रख दिया उसके लिए प्री क्लास जो होगी उसको बोला इन्होंने बाल वाटिका, जो अंडर द एज ऑफ 5 बच्चों के लिए, उनके लिए ऐसा कर दिया इन्होंने। इसी तरह से उन्होंने नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरोलॉजी को बना दिया, उन्होंने सेटअप कर दिया MHRD के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो वो चीज आपकी उसके हाँ। और आपके यूनिवर्सिटी सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने के लिए अभी उन्होंने क्या किया, एनटीए नाम की एजेंसी बनानी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सर एनटीए पहले से ही है, लेकिन अब तक के लिए भैया सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेएनयू डीयू की, लेकिन इन्होंने अभी क्या कर दिया, हां 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 इन्होंने मतलब क्राइटेरिया एक ही कर दिया अभी सभी कॉलेज में जाने सर, और कर दिया है इन्होंने कि एमकॉम के बाद हम फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं लोग एमकॉम के बाद, या कोई भी मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए आपको 4 साल लगेंगे, पीएचडी 4 साल के यस सर, उसको कर दिया इन्होंने। अब साल में आप 2 बार दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम, और बोर्ड एग्जाम भी आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप में होंगे, तो आप मतलब 2 बार आप चांस दे सकते हैं, तो इसमें मतलब आपका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। बोर्डिंग का बता दिया आपको, और इन्होंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस को, मतलब अपना पैसा खुद यूटिलाइज करेंगे, उनको कैसे करना है। अब 5+3+3+4 का आपको बता दिया गया है ना कैसे है इसका, और इसके अलावा ये भी है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम भी है, आप किसी भी टाइम में कोर्स को छोड़ सकते हैं, जैसे अभी आपका क्या है कि इन्होंने ऐसा कर दिया है, मैं देख रहा था उसमें, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में डिग्री को छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में छोड़ते हैं, सेकंड ईयर में छोड़ेंगे तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, उसके बाद 3-4 साल के बाद तो आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। अच्छा, उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन में सेम 2 साल लगेंगे, जो 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे उनको 2 साल एमए के लिए पढ़ना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और अगर आप 4 साल की डिग्री लेते हैं उनको 1 साल के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा, 5 इयर्स सर, 4 साल का अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसका मास्टर की डिग्री भी मिल जाएगी सर, ग्रेजुएशन के साथ मास्टर की डिग्री भी मिलेगी, और डिग्री विद रिसर्च, मास्टर की डिग्री के लिए 1 साल कोर्स करना होगा एक्स्ट्रा, 4 साल की रिसर्च की डिग्री दी जाएगी उसके बाद 1 साल ले, 4 साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं नहीं 4 साल में सिर्फ 4 साल में डिग्री दी जाएगी रिसर्च की, 5 में ही होगा, अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं तो 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 4 साल की डिग्री पढ़ रहे हैं तो 1 साल की, और इंटीग्रेटेड कोर्स है जो शुरू से लेकर लास्ट तक 5 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दे देगा, ये 3 ऑप्शन है अभी आपके पास। ओके तो ये कुछ ये है पॉइंट, अब आपने डिस्कस करना है कि इसमें अब आपको प्रोस क्या लग रहे हैं और कॉन्स क्या लग रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम, आप लोग अपने पॉइंट्स दीजिए, अब मैं आपके पॉइंट्स नोट करता दूंगा, फिर मैं यहाँ पर आपको बाद में बताऊं, चलिए शुरू कीजिए, कोई भी शुरू कर सकता है। मोस्टली ये कहा जाता है कि सर GDP अभी जाके 6% हुई है, तो काफी लोग ये कहते हैं कि आइडिया ये पहले से था ही, लेकिन इंडिया को ऐसे नेगेटिव देखा जाता है कि कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, तो सर एजुकेशन पे ध्यान दिया इंडिया ने, मगर वो इसलिए नहीं दे पाता था क्योंकि इंडिया के पास चाइना है और पाकिस्तान है जो कि इसकी नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि काफी बार इस पे अटैक कर चुका है, तो इसका GDP मोस्टली अपने डिफेंस के मैनेजमेंट में चला जाता था, तो सर इसके वजह से एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना इधर हुआ नहीं, लेकिन फिर आई वांट टू करेक्ट यू, इंडिया की GDP कभी GDP से कभी भी 2.5% से ज्यादा कभी आपका खर्च नहीं होगा, इंडिया की और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया, हाँ इन डिफेंस सिर्फ डिफेंस नहीं है, डिफेंस में 2.5% है या 2.5% ज्यादा नहीं होता है, जो कि उन और कंट्रीज का ज्यादा है, चाइना वगैरह का ज्यादा है इंडिया से, पाकिस्तान का ज्यादा है, लेकिन सर अपने इंडिया में आधा से ज्यादा जो हमारी GDP है वो तो डिफेंस में ही खर्चा होती है ना सर, यस सर, मोस्ट ऑफ द GDP सर, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो ABC बनाया गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऐसे एक साल में अगर कोई कोर्स छोड़ता है तो अगर दोबारा उसी कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसे फिर से वहीं से स्टार्ट करना होता था, इस बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल उसके क्रेडिट को डिजिटल रूप में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रखा जाएगा, अगर दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करता है एडमिशन लेता है तो उसके उस मार्क को पहले से ध्यान दिया जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। और सर जहाँ तक GDP की बात है, 6% GDP हमेशा से 1986 से
सरकार ने बात की थी कि हम 6% खर्च करेंगे शिक्षा पे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हम 2.7 3 पॉइंट समथिंग करते रहते हैं और अनुसंधान पे 0.7 हमारा है सर, और अन्य देश 2.4 3.5 खर्च करते हैं। सर हम आगे कैसे जाएंगे इस तरह से? इवन फिनलैंड अभी 7-6 जीडीपी पे था, दैट्स व्हाई वो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, जीडी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतना मौका दे रहे हैं, जीडी मौका नहीं मिलता आपको 10 मिनट में आपको डिस्कशन करनी होती है। सर इसमें एक चीज और है कि जो रिपोर्ट कार्ड बनते थे बच्चों के स्कूल, मतलब स्कूल के द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड बनाए जाते थे, अब उसकी जो श्रेणी कर दी गई है वो 3 कर दी गई है। मतलब कि जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो बच्चा खुद बनाएगा, फिर उसके बाद उसका सहपाठियों द्वारा उसको बनाया जाएगा और फिर स्कूल टीचर बनाएगा। तो इसका जो एक रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि रिपोर्ट कार्ड से एक वो बनाया जाता था, जैसे बच्चा रिपोर्ट कार्ड के थ्रू की इतना पढ़ता है या पढ़ा तेज है, वो इस चीज को हटा दिया गया है और रिपोर्ट कार्ड को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है कि इन 3 श्रेणियों से रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है सर, ये होगा कि सर ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि सर पहले होता था कि बच्चों को मार्क्स के ऊपर कैटेगराइज कर दिया जाता था, ये कोई जिसने ज्यादा मार्क्स और टॉपर हो गया। बट सर अगर प्रैक्टिकल लर्निंग के हिसाब से हम जिस भी बच्चे को देखें तो उसे हम अच्छे से जज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो अपना पूरा पोटेंशियल दिखा रहा होगा और उससे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होगी और उसे फ्यूचर में एक्सपीरियंस भी रहेगा। यस सर, और जो इसके फ्रेंड्स रहेंगे या मतलब कि 3 अगर 3 श्रेणियों में अगर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा तो उसका जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो जान पाएगा कि वो किस वे में आ रहा है, मतलब कि वो अपने आप को जज कर पाएगा कि हाँ वो कैसा है। क्योंकि अच्छे बच्चे, पहले क्या होता था कि अच्छे बच्चे होते थे सर, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे, लेकिन सर कुछ होते थे एग्जाम अच्छे नहीं दे पाते थे, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, जिससे वो हताश हो जाते थे और अपने आप को बहुत कमजोर मानते थे बाकी बच्चों से। लेकिन अब क्या होगा सर, जो रिपोर्ट कार्ड उनका होगा 3 श्रेणियों में बटेगा तो वो अपने आप को जज कर पाएंगे कि वो किस श्रेणी में आते हैं। यस सर। लेकिन बट सर सेल्फ मार्किंग सर अच्छी बात नहीं है सर, हम खुद से कैसे मार्क करेंगे कि मैं कितना अच्छा वर्क कर रहा हूं या फिर हमें खुद से अच्छा कौन जान सकता है? उसके थ्रू हम देखें तो देर सर, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम का सिस्टम हटा दिया गया है, अगर उसको हम देखें तो उसके हिसाब से बच्चों के ऊपर से एक प्रेशर हट जाएगा जिसके थ्रू वो पढ़ाई में लापरवाही भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उसमें फिर बच्चे ज्यादा लापरवाही करेंगे और ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई पे। और सब बच्चे मेंटली से ज्यादा फिजिकली ज्यादा होना ऐसे पसंद करते हैं कि अगर उन्हें खेलने मिलेगा तो ज्यादा इंटरेस्ट लाएंगे पढ़ाई में। तो ऐसा देखें तो एनसीसी भी फिजिकल में आता है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल वर्क नहीं किया जा सकता। जैसा भी हम लोग एनसीसी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ करते हैं, बट अगर बोर्ड सेट आने से वो लापरवाही एजुकेशन में देखने को मिलेगी। तो इस प्रैक्टिकल के वजह से बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पढ़ाई में। काफी समय ये भी होता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, जैसे बड़े बच्चे होते हैं कि हाँ पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, बट सर एज अ प्रैक्टिकली भी अगर बच्चे करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ उन्हें समझ आ रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग। सर एक चीज हम भी जानते हैं कि जो हम रटते हैं, अगर हम रट के कोई चीज याद करते हैं तो वो हम 10 मिनट के लिए या ज्यादा से ज्यादा एक दिन याद रखेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। लेकिन जो सर प्रैक्टिकली हम सीखेंगे वो चीज शायद हमारे लाइफ टाइम तक हमें याद रहेगा, लेकिन अगर हम वही चीज को रट रट के याद करेंगे वो तो ज्यादा से ज्यादा दिन एक या दो दिन रहेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम कोई चीज हमारे तो ज्यादा सिस्टम को बेटर करने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम हटाने की नहीं। तो बोर्ड एग्जाम इसलिए हटाए ताकि बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम की वजह से बच्चे को बोर्ड हटाने के लिए, अगर बोर्ड हटाने बोर्ड तब बोर्ड अच्छा ही रीजन था क्योंकि सर अगर तुम्हें 1 मिनट अगर देखा जाएगा कोई बोर्ड के वजह से जब भी हमारे बोर्ड रिजल्ट्स आते थे इसके वजह से बच्चों ने सुसाइड किया है सर,
अच्छे बच्चे जो होते थे बोर्ड के एग्जाम्स की वजह से जो भी नंबर आते थे वो उनके सही मार्क्स नहीं होते थे, उन्हें सही मार्क्स नहीं मिलते थे। बोर्ड में ऐसा होता था कि सर इंग्लिश और हिंदी में कई सारे भेदभाव होते थे और सर इसी बोर्ड की वजह से सुसाइड रेट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन ये बोर्ड के हटाने के चक्कर में अब जो आएगा हमारी न्यू पॉलिसी जो है बोर्ड को हटाने के लिए, अब जो सुसाइड रेट बहुत कम हो जाएगा सर, वरना बोर्ड एग्जाम्स की वजह से बहुत सारे सुसाइड रेट जो था बढ़ गया था सर, अब जो होगा सुसाइड रेट कम होगा इसके वजह से। और सर नॉट ओनली बोर्ड डोंट ओनली इफेक्ट द लोअर स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन सर जो टॉपर भी थे वो भी अपने आप को कभी डीमोटिवेट करके खुद ही सुसाइड कर लेते थे, जो हमारे सोसाइटी पे बहुत खराब चीज थी कि कोई टैलेंटेड बच्चा सिर्फ एक मार्क्स के फेयर के वजह से अपने को जज करने के फेयर से अपनी लाइफ ही खत्म कर दे रहा है। ये सब बहुत प्रेशराइज होते थे सर बोर्ड की वजह से बहुत। अगर हम खुद अपने आप को जज करें तो हमें हमारे पेरेंट्स बोलते थे बोर्ड है बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमारा सब कुछ सारी एक्टिविटीज बंद करा दी जाती थी और हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता था, सारे सारे पढ़ना पड़ता था और फिर हमारे आकांक्षा तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। एक और अच्छी बात ये है सर, क्लास सिक्स के बाद इंटर्नशिप बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा, तो सर उन्हें काम करने का एक्सपीरियंस बचपन से ही रहेगा और वो टेक्निकल काम करने में सर माहिर हो जाएंगे। बचपन से ही अपनी पोटेंशियल जान सकेंगे उन्हें किस फील्ड में जाने। अभी तो ये होता है कि बच्चे 10th तक आ जाते हैं 12th तक आ जाते हैं बट उन्हें पता ही नहीं उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, बट सर इंटर्नशिप आने की वजह से वो बचपन में ही अपनी कैपेबिलिटी जान लेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग और क्या वो फ्यूचर में कर सकते हैं। तो एक चीज और है कि गवर्नमेंट स्कूल या और प्राइवेट स्कूल के जो भी नियम आएंगे जो भी रूल्स आएंगे वो एक हो जाएंगे सर, एक मतलब जो भी नियम निकाले जाएंगे वो दोनों में लागू किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। एंड देयर इज वन मोर बेनिफिट सर, देयर इज वन मोर बेनिफिट कि अभी फी कैप रख दिया गया जिसकी वजह से सारी जो फी है वो एक लिमिट तक रहेगी, क्योंकि पहले ये होता था ऐसे भी कॉलेज में होता था जैसे अभी तो ये ला दिया गया कि अगर आपके पास ऐसे या कोई रीजन है तो ड्रॉप आउट कर सकते हो, मगर ऐसे अगर फीस ऐसी हाई ही रहेगा प्राइवेट में कोई ऐसे अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा तो सर तू आगे जाके कंटिन्यू कर पाए ना कर पाए इसके चांसेस ऐसे भी बहुत कम है। कॉलेजों को ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है, अगर उनको इकोनॉमिक ऑटोनॉमस बनाया जाता है सर उन्हें कहा जाएगा ना कि अपनी फीस अपने से कलेक्ट करो और खुद अपना गवर्नेंस करो अपने कॉलेज पे, तो सर फीस बढ़ाएंगे घटाएंगे ये भी तो एक समस्या है ना सर। बताया नहीं गया है गवर्नमेंट कौन कॉलेज को कौन सी ऑटोनॉमी दे रही है, शासन चलाने की ऑटोनॉमी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी ये तो बताया नहीं गया है। इट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी सर कॉलेज तो फीस भी बढ़ाएंगे ही, अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके ज्यादा बेनिफिट ही हैं एज कंपेयर टू कॉन। सो कॉन ये भी हो सकता है कि ये कॉन नहीं कह सकते बट स्टिल जैसे अभी के टाइम में एज अ पैंडेमिक टाइम हमें अगर कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करनी है पूरे कंट्री पे तो हमें उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, वी नीड टू रोम हियर एंड देयर, उसके लिए हमें पहले उतर के काम करना पड़ता है। और सर पैंडेमिक में कोई बाहर जा नहीं सकता तो कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने का भी कोई टाइम होता है, या तो हमें इसे पहले करना चाहिए था क्योंकि ये कोठारी जो पॉलिसी है 1964 की उसमें ये बात की जा चुकी थी। सर अगर ये पहले इम्प्लीमेंट होता शायद हम इसके ज्यादा बेनिफिट ले सकते थे और हम इसे आगे आज हमारी कंट्री भी काफी आगे, लेकिन वो चीज नहीं हुआ ना, वो चीज अप्लाई नहीं हुआ, जो हमारी पुरानी की पॉलिसी थी वही चलती आई, जो आप बता रहे हो वो पॉलिसी ऐड ही नहीं हुई हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, वो आई सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर 4 ईयर बीएड वाले टीचर को रखने की बात कही गई है सर, सर जो टीचर है जो 2 इयर्स के हुए यू डोंट हैव टू। अच्छा आप लोग बीच में सर सर मत बोलिए, आप लोग आपस में बात कीजिए कि ऐसा है वैसा है, जैसा आप लोग आपस में बात करते हैं वैसे बात कीजिए। हां मैं सिर्फ बाहर से आपको देख रहा हूं। ओके सर एक और चीज आ गई हमारे पॉलिसी में कि पहले बच्चों को केयर नहीं की जाती थी, पहले मार के अगर बच्चों को प्राइमरी में ही मार के डरा दिया जाता था तो इससे सर काफी बच्चे ऐसे भी पेरेंट्स नहीं भेजते कि मेरे बच्चे को मार देंगे ऐसे कर देंगे, लेकिन सर अभी हमारे जो प्रिपेयर्ड स्टेज है उसमें बहुत दिन पहले से खत्म
मारने वाली पॉलिसी तो खत्म हो चुकी है बहुत दिन पहले से। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है सर, प्राइम प्रिपरेटरी स्केल जो हमारी आई है यूनिवर्सिटी, उसमें भी उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें बच्चों की केयर भी की जाएगी और उन्हें एजुकेशन भी दिया जाएगा। और सर छोटे बच्चों की केयर करना भी पढ़ाई के साथ काफी इम्पोर्टेंट ही है, ताकि वो समझे कि हाँ दे आर स्टार्टिंग। शिक्षकों के लिए शिक्षकों के जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। Yes, इनको भी जो अपने स्किल्स को रहना है, ताकि स्टूडेंट को अच्छे प्रोफेशनल और उत्तम नागरिक बनाने का जो है सबसे बड़ा माध्यम यही शिक्षक ही है। यहाँ तो शिक्षा नीति की बात है, हमेशा से अच्छी शिक्षा नीतियां ही आ रही है, लेकिन सबसे दिक्कत यहाँ है कि सरकार उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती। जब 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा आयोग बना था, तब भी उन्होंने अच्छे से अच्छी सिफारिश की थी, लेकिन काली सरकार ने उन्हें नहीं माना। बट अच्छे से अच्छी की थी, there is always a scope for betterment. So अभी भी जो डिग्री, अभी भी जो पॉलिसी आई है, इससे भी बेटरमेंट हो सकता है। लेकिन आने में बहुत टाइम लगेगा, ये अभी आ तो गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट अभी इसको आने में या अप्लाई होने में बहुत टाइम लगेगा। ये हमारे इंडिया की एक निगेटिव पॉइंट है कि कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो वो बहुत उसको बहुत टाइम लगता है यहाँ पे एडजस्ट होने में, तो इसमें भी काफी टाइम लगेगा इस चीज को एडजस्ट होने में। और जैसा कि एक एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे इंडिया में अभी जो पॉलिसी आई थी कि सेम उसमें सेक्सुअल मैरिड हो सकता है, वो चीज अभी अप्लाई नहीं हुआ हमारे इंडिया में, वो चीज कर दी गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस चीज के लिए थप्पा लग गया है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बनारस की दो लड़कियों ने शादी करी थी, इट्स एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में उतना नहीं हुआ, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो अभी मैच्योरिटी लेवल है उस पे अभी नहीं आई है कि हम उसके लिए परमिशन दे दें, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। अभी न्यू पॉलिसी जो आई है इसको भी आने में या अप्लाई होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे ये बात हम नहीं नकार सकते हैं, हमारे इंडिया में बहुत भ्रष्टाचार है। एक और ये है कि हमारी जो ब्रांचेस है इंडियन यूनिवर्सिटी वो फॉरेन में भी जाएगी, जैसे हमारे काफी लोग फॉरेन में इंटरेस्टेड हैं हमारे इंडियन कल्चर को जानने के लिए, हमारे इंडियन में खुद हमारे कल्चर को उतना नहीं दिया जाता वो प्रायोरिटी जितना फॉरेन में हम दे सकते हैं। तो अगर पूरी ऐसे होता है ना कि इंडियन जाते हैं फॉरेन में वहां पे एजुकेशन लेने को, इंडिया उतना नहीं हो पाया था डेवलप, बट एज अभी फॉरेन वाले भी इंडिया में और ऐसे काफी एक्सचेंज होगा तो हमारी इकोनॉमी इससे बढ़ेगी। सर एक बढ़िया चीज इसमें ये है कि बच्चों को समझने में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते थे वो जैसे वो हिंदी समझ सकते हैं और स्कूल में उन्हें अंग्रेजी पढ़ाया था तो वो कुछ समझ नहीं पाते थे, तो इस चीज को नई एजुकेशन पॉलिसी में दूर किया गया है। आपका जो लैंग्वेज है इस चीज को बोला गया तो ये भी एक अच्छा है, ऐसा कि जो बच्चे एजुकेशन मतलब नहीं कर पाते थे अब उनको वो भी एजुकेशन ले सकते हैं फंड्स के वजह से। गाइस डोंट यू थिंक जितना फंड आएगा उतना ज्यादा करप्शन होगा? पहले भी आते थे ऐसे में, जैसे अभी तक वैसे भी होता था एजुकेशन में जो भी पैसे आते थे वो कहीं ना कहीं जो जो लेवल होता था उसके नीचे वो लोग ले लेते थे, आधा आधा अपना हिस्सा ले लेते थे, और हमारे पास जो आता था पैसा वो 1% आता था। अगर हम देखें, अगर उठा के कोई भी एक अगर भी उठा के देखे तो उसमें आता है कि जो भी अगर पैसा अगर भेज गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इस चीज में अगर बहुत फोकस किया जाएगा कि वो गारंटी तो देखो किसी बात की नहीं है, लेकिन गारंटी तो किसी बात की नहीं है ना आकांक्षा, लेकिन वो धीरे धीरे ही चीज अप्लाई होती है ना कि एक एक बैग अप्लाई हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जो ये लोग करते हैं वो हम जैसे ही लोग होते हैं, तो अगर हम किसी भी पद पे जाते हैं अगर हम अच्छे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा, आगे चल के हम भी किसी ना किसी पोस्ट पे जाएंगे पावर आने के बाद, तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो जाएगी।
धीरे धीरे जो अगर ये एजुकेशन पॉलिसी आई है क्या इसमें हमारे राइट्स और हमारे राइट्स को बताया है, हमारे राइट्स को कितनों ने सीरियसली पढ़ा है आज तक? यस मैम, हमारे फंडामेंटल राइट्स 21st मैम, फंडामेंटल राइट 21st ऑफ ए एंड आर्टिकल 45 हमारे राइट टू एजुकेशन को काफी प्रमोट किया गया है. जो राइट टू एजुकेशन आप बोल रहे हो ना, दैट इज रियली गुड, बट जो अभी तक पढ़ाया गया है ना, तो राइट टू एजुकेशन आप में से कितनों को कितने राइट याद है अपने? फंडामेंटल राइट्स तो क्या हर साल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, कुछ नए रूल्स आ रहे हैं, क्या वो हमें पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है तो हमारी बैकड्रॉपिंग, जो आज तक कोर्सेज चेंज नहीं हुए. कितनों को आरटीआई यूज करना आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनों को है, क्या कितनों को इंटर्नशिप तो दिलवा दी है, ठीक है, इंटर्नशिप आप करवा रहे हो किसी लेबर के अंडर में, इसके अंडर में, तो क्या एक ऐसा गवर्नेंस नहीं होना चाहिए कि स्कूल में कितने पैसे यूज हुए, कहाँ यूज हुए, इसका एक ट्रांसपेरेंट मोड होना चाहिए था, एक एक ऑनलाइन मोड होना चाहिए कि किस स्कूल में कितना पैसा यूज हुआ वो पेरेंट्स भी देख सके. हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. ऑफ कोर्स मैम, ये तो होना चाहिए. और अगर ये मैंडेटरी, जो जिस तरह से हमारे स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, क्या एक ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए कि जिसमें हम बोले कि जो हमारी स्कूल की फीस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए? मैम वो प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट मैम वो प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें इतना गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस को उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि हाँ, हम गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे पढ़ाई नहीं होती तो उस वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हम बेटर करें, ताकि बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से ज्यादा प्रेफर करें गवर्नमेंट कॉलेजेस को. लेकिन अब जो रूल्स आए हैं वो दोनों के लिए सेम हो चुके हैं. क्या गवर्नमेंट स्कूल, क्या प्राइवेट एजुकेशन, दोनों के लिए सेम होंगे. तो अब जो भी भेदभाव होते तो वो खत्म हो जाएंगे, जो भी हमारी कमियां होती तो वो कहीं खत्म हो जाएंगी. अगर कुछ बदला है कि हम कहते हैं कि ठीक है, उन्हें हमने चेंज किया, हमने चेंज लाया, जो गवर्नमेंट आई अभी जो आया है सबके लिए इक्वालिटी आई है, आपके कहने का मतलब, तो क्या अभी तक इक्वालिटी नहीं थी? बोर्ड एग्जाम का कोर्स यूपी बोर्ड में मैं प्राइवेट से पढ़ी हूँ और कुछ सरकारी से मेरे फ्रेंड पढ़े हैं, तो क्या दोनों में इक्वालिटी थी? क्या दोनों में एजुकेशन सही थी, एजुकेशन सेम थी? एजुकेशन और पढ़ाने का तरीका सेम नहीं होता. इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अभी सरकार की एक कैंपेन चला रही है, अभी तुरंत डियर टीचर्स एंड प्रिंसिपल 1 मिनट प्लीज, ये कैंपेन है, इसमें सरकार आपसे टीचर से सजेशन मांग रही है. द गवर्नमेंट वांट्स योर सजेशन on the implementation of national education policy 2020, calling teachers and principals across the nation to share their ideas and suggestions on various terms of successful implementation of national education policy 2020. अब अगर teachers देंगे suggestion तो simple बात है, on field हो हैं तो पढ़ाएंगे, उन्हें बताना है कि policy कैसे implement किया जाए. सर, teacher जाके पढ़ा रहे तो उन्हें experience, उन्हें पता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा.